दोस्तों, नीला समंदर देखने में तो बेहद ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया बहुत ही विशाल होता है। इस दुनिया में कई जीव रहते हैं, इसमें से कई बेहद ही छोटे तो कई खूबसूरत होते हैं, तो कई बेहद ही विशाल और ख़तरनाक है। ये चाहे मगरमच्छ हो या फिर शार्क, व्हेल हो या फिर पिराना, आपने खतरनाक शार्क या पिराना मछलियों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बेहद ही खतरनाक होती हैं। दरअसल पानी के अंदर कई ऐसी मछलियां हैं जो न सिर्फ आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं, बल्कि यह मछलियां आदमी तक को भी खा जाती हैं। आज हम बात करेंगे इसी पिराना मछली के बारे में, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रोंगटे खड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि क्या यह मछली भारत में भी आ चुकी है। ऐसा बताया जाता है कि पिराना मछली महज 30 सेकेंड में इंसान के हड्डी तक को भी चबा सकती है, जिसका मुख्य खुराक इंसान का कान और जानवरों का अस्तन होता है। दरअसल हॉलीवुड में पिराना मछली के ऊपर इतनी सारी मूवी बनाई गई है, जैसे पिराना, पिराना 3D। इन मूवी में पिराना मछली को बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक साबित किया गया है। इन मूवी में दिखाया गया है कि एक पिराना मछली इंसान के ऊपर अटैक करती है, उसकी गर्दन तक को भी काट देती है। लेकिन क्या यह सच है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिराना मछली खतरनाक तो है, लेकिन इतना नहीं जितना कि इन हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। पिराना मछली साउथ अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 15 से 17 इंच तक हो सकती है। ये मछली बदनाम इसलिए है क्योंकि इसकी जो दांत है बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही नुकीली होती है। स्थानीय लोग इसकी दांत का यूज कर तरह तरह के उपकरण बनाया करते हैं, और ये लोगों पे अटैक तभी करती है जब इनको अपने ऊपर खतरा महसूस होता है। लेकिन आदमियों पर इसका अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये अटैक केकड़े के ऊपर करती हैं, कछुए के ऊपर करती हैं, और अपने से छोटे मछलियों के ऊपर करते हैं। और इस बात को साबित करता है जगवार, जिसका मुख्य खुराक पानी में रहने वाले जीव ही होते हैं। वो पानी में छलांग लगाता है और कभी कभी इन मछलियों का भी शिकार कर जाता है, साथ ही साथ दूसरे मछलियों का शिकार करता है। लेकिन इसके ऊपर कभी भी पिराना का अटैक नहीं होता, क्योंकि वो पानी में छलांग लगाने के बाद बहुत ही आराम आराम से तैरता है, अपने शिकार को पकड़ता है और फिर बाहर निकल जाता है। और इस बात को एक जाने माने बुजुर्ग भी साबित करते हैं, जब वो पिराना से भरे तालाब में छलांग लगा लेते हैं और आराम आराम से तैरते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पानी को ही चूल करता, बहुत ही तेज़ी के साथ तैरता, तो हो सकता था कि पिराना मुझ पर अटैक करती और थोड़ी देर में मुझे ख़त्म भी कर देती। चलिए अब बात करते हैं कि क्या यह मछली भारत में भी आ चुकी है। तो देखिए, कुछ मछुआरों का कहना है कि हमने गोदावरी नदी में पिराना जैसे कुछ मछलियों को देखा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किसी ने साउथ अमेरिका से एक्वेरिया में इस मछली को लाया होगा, फिर गोदावरी नदी में फेंक दिया होगा। लेकिन यह बात कहाँ तक सही है, इस बात को कह पाना मुश्किल है।